महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में मुलाकात की। इस मुलाकात को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों को एक साथ लाने और विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है। सुनिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इन दोनों नेताओं ने किस तरह मौजूदा सरकार पर एक साथ हमला बोला। लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक जला शुभ शकुन असं म्हणतो की इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में आप प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है। और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो आपने तो बात बता ही दिया है, हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही है, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम तो कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है, पहले से काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथ ही हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां
एक साथ मिल करके काम करेंगी और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। सर लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का, विचार तो एक ही है ना भाई, देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे, तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना, ये लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर सवाल देंगे उसके दो पक्ष, पहला पक्ष ये है आपने कहा लड़ाई में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं। तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं कैसे हो सकता है। ये तो गद्दार लोग है। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। युवा यहाँ पर आदित्य हैं और तेजस्वी हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं जो मिलकर सामने आए हैं, इनमें इन दोनों का कितना अहम रोल और किस तरह से देखेंगे आप? अभी क्या रोल, अभी क्या वो सिनेमा या नाटक थोड़ी है कि रोल कैसे रहेगा, ये देखो ऐसा रोल रहेगा। ये रोल तो नीतीश जी, जब ये पक्ष लोग यूनिटी पक्ष ला रहे हैं, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, आपकी कुछ कोशिश? ठीक है चलो, अभी तो आगे बच्चा आ रहे हैं, सबको एकजुट करना चाहते हैं लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाए। लेकिन वो किस चेहरा पर रहेगा, आप देखो सारा चेहरा का देखते हैं, उसका चेहरा कौन रहेगा? नीतीश जी बिहार में वो नहीं बनना है और जो भी बनेंगे वो सब मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे। बिहार में वो किसका डेट तय हुआ है? डेट कब का हो? डेट का डेट तय हुआ है बिहार में? डेट कब का हो? आईपी तो होने दो, ये बिहार में डेट तय हुआ है, डेट का डेट तय हुआ है बिहार में? बताएंगे उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी।